हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो पार्ट वन वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू एसिड बेस एंड सॉल्ट। होप यू विल वॉच इट अप टिल एंड। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल्स। आंसर, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वॉटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वॉटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स पोटेशियम सल्फेट प्लस वॉटर। चिल्ड्रेन, वह रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वॉटर बनता है, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जब यह एसिड से रिएक्शन करता है तब सॉल्ट और वाटर बनता है। क्वेश्चन नंबर टू, नेम द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड। वन, सोडियम एसिटेट। टू, अमोनियम क्लोराइड। वन, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन वी विल गेट सोडियम एसिटेट एंड वॉटर। नंबर टू, When HCl reacts with ammonium hydroxide, then we get ammonium chloride. Number 3. Write the chemical name of Na2CO3.H10H2O and Na2CO3. Write the significance of 10H2O. Mention the term used for water molecules attached with a salt. Answer. The chemical name of Na2CO3.10H2O is sodium carbonate decahydrate. The chemical name of Na2CO3 is sodium carbonate. The term used for water molecules attached with a salt is water of crystallization. Significance of 10H2O is to impart color and shape to the crystals. Children, Na2CO3.10H2O का chemical name होता है sodium carbonate decahydrate और Na2CO3 का common name है sodium carbonate. चिल्ड्रेन, सॉल्ट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। चिल्ड्रेन, 10H2O मॉलिक्यूल का सिग्निफिकेंस है कलर देना और क्रिस्टल के शेप देना। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। आंसर, बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वॉशिंग सोडा ऑन हीटिंग गिव्स वाटर। सोडियम कार्बोनेट डॉट
then H2O, it is washing soda. When it is heated, then water molecule is given out. Children, baking powder is NaHCO3. जब इसे हीट करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास किया जाता है तो लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा है। जब इसको हम गर्म करते हैं तब Na2CO3 प्लस वाटर बनता है। तो बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा में डिफरेंस क्या हुआ? बेकिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वॉशिंग सोडा में वाटर रिलीज होता है।